नमस्कार एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम बात करेंगे कई सारे प्रमुख अपडेट के बारे में, तो एक एक करके देखेंगे सारे आज के प्रमुख अपडेट। सबसे पहला यहाँ पर आपका प्रमुख अपडेट है कि दो माह में 3,055 भर्तियों के लिए आवेदन लेगा आयोग, यानी कि यूपी लोक सेवा आयोग तेज करेगा भर्ती प्रक्रिया। और अभी जो है 5,103 रिक्तियों पर चल रही है चयन प्रक्रिया। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अगले 2 महीनों में विभिन्न विभागों में रिक्त 3,055 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन लेने जा रहा है। इसमें डेंटल सर्जन के 174 पद समेत अन्य विभागों के पद आपके शामिल हैं। वर्तमान में 5,103 पदों का चयन प्रक्रिया गतिमान है और आयोग सूत्रों की माने तो शैक्षिक योग्यता की समकक्षता विवाद के कारण तमाम पदों पर चयन प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही है। और अपर निजी सचिव भर्ती राजकीय विद्यालयों में अल्टी ग्रेड, स्वच्छताकारी, कृषि सेवा आदि भर्तियों की शैक्षिक योग्यता की समकक्षता निर्धारण के लिए पत्राचार किया जा रहा है। और आयोग के अध्यक्ष संजय श्रीनेत का कहना है कि भर्तियों में विवाद कम करने के लिए अब विज्ञापन के साथ ही संबंधित विभाग की नियमावली का भी जिक्र किया जाएगा और इससे विज्ञापन और नियमावली में अंतर के कारण मुकदमे और भर्तियों में देरी को कम किया जा सकेगा। तो यहाँ पर इनका ये कहना है। आगे यहाँ पर देखेंगे कि 36,012 पदों पर होगी CGL भर्ती 2022। चयन आयोग ने पदों की संख्या जारी किया और फरवरी में संभावित पदों की संख्या 37,409 थी। तो यहाँ पर ये आपका बहुत एक बड़ा भर्ती है जहाँ पर काफ़ी लोगों को जॉब नौकरी मिलने वाला है। ठीक है, आगे यहाँ पर हम बात करेंगे कस्तूरबा विद्यालयों से हटेंगे सभी पुरुष स्टाफ। अगला आपका अपडेट है कि सरकारी खाली पदों को भरेगी सरकार, जो है खाली पदों को भरेगी अथवा वैकल्पिक व्यवस्था करेगी, हाईकोर्ट ने ऐसा बोला है। उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग में भर्ती रुकने पर कोर्ट ने यहाँ पर सख्ती दिखाई है। आगे यहाँ पर हम देखेंगे नए अस्पतालों के लिए 187 पदों पर होगा भर्ती। तो प्रतापगढ़ के 100 और 50 शैया अस्पतालों के लिए पदों को मंजूरी और लखनऊ के लोकबंधु ब्लड बैंक व चंद्र नगर अस्पताल भी यहाँ पर आपका शामिल है। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि प्रदेश की विभिन्न जिलों में नवनिर्मित अस्पतालों में डॉक्टर और अन्य स्टाफ की पदों पर सृजन किया जा रहा है और इन अस्पतालों के खुलने से बड़ी आबादी को इलाज की सुविधा मिल सकेगा। लखनऊ के लोकबंधु अस्पताल की ब्लड बैंक और चंद्र नगर संयुक्त चिकित्सालय के बाद अब प्रतापगढ़ और 100 शैया और 50 शैया अस्पतालों के लिए भी गुरुवार को 187 पद यहाँ पर सृजित किए गए हैं और इन पदों पर जल्द ही स्टाफ की भर्ती यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, और इन पदों पर होगा भर्ती तो चिकित्सा अधीक्षक, परामर्शदाता फिजिशियन, चीस्ट फिजिशियन, बाल रोग विशेषज्ञ, रेडियोलॉजिस्ट, चर्म रोग, जनरल सर्जन, ठीक है, इस तरीके का आपके यहाँ पर सारे पद शामिल है। ठीक है, पैथोलॉजिस्ट समेत कई आपके पद यहाँ पर शामिल है। आगे बात करेंगे शारीरिक शिक्षकों को प्रवक्ता पद पर प्रवृत्ति की आस बढ़ी। आगे यहाँ पर है कि 19 लाख छात्र देंगे MTS की परीक्षा। तो यूपी बिहार के किस शहरों में बनाए गए 120 केंद्र। आगे देखेंगे 2 माह में 3,000 पदों पर शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया। तो UPSC जारी करेगा 5,103 पदों पर चल रही चयन प्रक्रिया और एक साल में 12,236 पदों पर चयन और 2,438 अधिकारियों का प्रमोशन। तो यहाँ पर ये पूरा आपका अपडेट दिया गया है जो कि मैं आपको बता भी चुका हूँ। आगे यहाँ पर क्या कि 1 लाख पेंशन लो और 50,000 की घूस दो। भारत में ये सब चीज़ें जो है बहुत कॉमन सी है। आगे देखेंगे कई सारे आपके अन्य अपडेट हैं। KCGMC में कई पद खाली, 91 पद आपके यहाँ पर खाली हैं। सीनियर रेजिडेंट एवं ट्यूटर की पदों पर यहाँ पर आपका अवसर है। और IRDAI में आवेदन 45 पद यहाँ पर आपके खाली है। UPSC ने जारी किया 322 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ है। असिस्टेंट कमांडेंट पदों पर आपका ये निकला है भर्ती। ठीक है, आप इसको भर सकते हैं, बहुत अच्छी आपकी ये बहुत अच्छा आपका ये जो है मौका है आप सभी के लिए। ठीक है, बाकी यहाँ पर हम बात करेंगे वीडियो री एग्ज़ाम डेट को लेकर। तो वीडियो री एग्ज़ाम आपका 18 जून को होने जा रहा है और इसका जो ऑफिशियल अपडेट है, ऑफिशियल आपका जो डेट का अनाउंसमेंट है, बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा वीडियो री एग्ज़ाम का। आप लोग इसकी तैयारी में लगे रहें, 18 जून को आपका पेपर होने वाला है वीडियो री एग्ज़ाम। टेक केयर, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में।